नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष दास और स्वागत है आपका द मुसाफिर में। आज मैं आया हूँ मद एलन मिस्टेगित मत फोर्ट में, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, और यह है समंदर, और आपको यहाँ से पूरा जो मुंबई है वो दिख जाएगा। तो ये बहुत पुराना किला है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं इस तरफ, और क्या हमको देखने के लिए मिल जाता है चलिए एक्सप्लोर करते हैं। और इस तरफ है जहाँ से हम चढ़े हुए हैं, आगे की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर अभी बंद है, तो हम पीछे की तरफ से आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और शुरू करते हैं आज का सफ़रनामा। उस तरफ सी लिंक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस तरफ आपका सी लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। और ये है फोर्ट। तो यही मड आइलैंड का मशहूर फोर्ट है, को बहुत जाना पहचाना लगेगा क्योंकि आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स या क्राइम शोज में इस एरिया को देखा हुआ है। मैं आगे से पास से आपको ये फोर्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि आगे से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप इसको बाहर से ही देख लीजिए, और हम भी इसको बाहर से ही देख के यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए आप बाहर से ही देख लीजिए और हम यहाँ से निकलते हैं। बहुत पुराना फोर्ट है, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसके अंदर क्यों पब्लिक को या टूरिस्ट को अलाउड नहीं कर रहे हैं। और यहाँ आके आप एक सुकून का जो टाइम है वो स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा मुंबई जो भी कहिए दिख जाएगा, और समंदर का पानी भी बहुत प्योर दिख रहा है इस तरफ से। और यहाँ पर जो एरिया है नीचे बैठ के, कभी कभार लोग आते हैं इस एरिया में, वो रास्ता जो है बैक साइड से हम आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पथरीला है, लेकिन जो भी हो यहाँ आके अच्छा लगा। छलांग मार दी।
एग्जैक्टली ये मड जो फोर्ट है उसके बगल में ही ये थोड़ा सा छोटा सा बीच है बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आके जैसे लोग यहाँ पर फोटो वगैरह खींचते हैं, उस तरफ भी फोटो शूट वगैरह हो रहा है, तो इधर भी आप आके थोड़ा बहुत रिलैक्स चिल कर सकते हैं। ये मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।